अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सभी हजरात खैरियत से होंगे। रमज़ान का जब महीना शुरू होता है तो इसके अंदर बहुत सारे पेशावर फुकारा भी मैदान के अंदर आ जाते हैं और वो अपना एक तरीके से जिन लोगों ने पेशा बना रखा है वो लोग भी मैदान में आ जाते हैं और रूप धारण करके और बहुत से तो गैर मुस्लिम भी इस महीने के अंदर मुसलमानों की शक्ल इख्तियार करके कुर्ता पजामा पहन करके टोपी पहन करके लोगों के पास जाते हैं, उनके पास ज़कात के पैसे और फितरे के पैसे और इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके और इस महीने के अंदर वो मालदार बन जाया करते हैं। इसके अंदर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे खासे घराने से होते हैं, जिनका ताल्लुक किसी भी तरीके से गरीब ख़ानदान से नहीं होता है, लेकिन उन लोगों ने इसको अपना पेशा बना करके और पैसा जमा करने का एक धंधा बना रखा है। तो आप इस चीज़ को ज़रूरत में ध्यान रखें। आप अगर ज़कात के पैसे अदा कर रहे हैं, सदक़े के पैसे अगर अदा कर रहे हैं, तो उन मुस्तहिकीन तक जो उसके मुस्तहिक है, जिनके ऊपर ज़कात का लेना जो ज़कात के लेने के मुस्तहिक है उन्हीं लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप गैर मुस्तहिक लोगों तक ज़कात को पहुंचाते हैं उस सूरत में आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। मैं आपके सामने कुछ वीडियोज़ पेश कर रहा हूं, आप इन वीडियोज़ को देखें। इन वीडियोज़ के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत से ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन वो इस्लाम और मुसलमानों का रूप धारण करके और इस्लामी लिबास पहन करके, टोपियाँ पहन करके और बहरूपियाँ बन करके और वो ज़कात के फितरे के पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आप ज़रूर सावधान रहें, होशियार रहें। ऐसे लोग कभी कई बार ऐसा होता है कि समाज के अंदर नफ़रत फैलाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं और समाज के अंदर एक दूसरे से नफ़रत फैलाने के लिए और एक दूसरे से लड़वाने के लिए, समाज को एक तरह से काटने के लिए, आपस में दुश्मनी पैदा करने के लिए भी ये लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा कि कई जगह ऐसा देखा भी गया है। इन वीडियोज़ को आप देखें किस तरीके से बहुत सारे हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने इन लोगों को पकड़ा है और इनकी एक तरह से बोल खोली है और जब इनसे पूरी सख्ती से पूछताछ की गई है तो ये लोग बताते भी हैं कि ये मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम है, लेकिन रूप इख्तियार करके मुसलमानों का और उसके बाद मुसलमानों को मुफल्ले के अंदर जाते हैं और वहाँ से ज़कात सदक़ात के पैसे इकट्ठा करके उसके बाद अपनी झोलियों के भर लेते हैं और इस महीने के अंदर ये मालदार बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप ज़रा बच करके रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें। जो भी इंसान अगर आपके पास रमज़ान के अंदर आ रहा है, अनजान इंसान अगर आ रहा है और ज़रा बराबर भी अगर आपको उनके ऊपर शक है तो आप ज़रूर उनसे आइडेंटिटी उनकी मांगें, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड और जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन है उसको आप ज़रूर उनसे तलब करें और उस चीज़ को देख कर ही आप उनको रुपया पैसा दें या जो भी अदायगी आप करते हैं वो करें। और इसके अंदर कई बार ऐसा होता है मदरसों के भी कुछ जाली सफ़ीर भी होते हैं जो मदरसे नहीं होते हैं लेकिन उन मदरसों की रसीद कटवा करके इस महीने के अंदर आ जाते हैं और उन तमाम पैसों को इस महीने के अंदर इकट्ठा करके वो अपने पॉकेट को भर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना है, सावधान रहना है और ऐसे लोग जो इसके मुस्तहिकीन हैं ज़कात के फितरे के, उन लोगों तक आप कोशिश करें पहुँचाने की। कोई भी इंसान अगर आपके पास आ रहा है तो आप उनकी तस्दीकात को, अगर मदरसे के आ रहे हैं तो उनकी तस्दीकात को, जो भी तस्दीकात उनके पास होती हैं आप उस चीज़ को ज़रूर देखें और उसके बाद ही आप उनकी अदायगी करें। और अगर हो सके तो उन तस्दीकात के ऊपर जो नंबरात होते हैं या उन रसीदात के ऊपर जो नंबरात होते हैं आप उनसे फ़ोन करके भी, अगर आपको शक हो तो आप उन लोगों से भी ज़रूर इसके बारे में कंफर्मेशन कर लें, उनसे पता कर लें, मालूम कर लें, उसके बाद ही कोई भी रकम आप उनको दें। क्योंकि आजकल जाली काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये जालसाजी बहुत ज़्यादा फैल रही है कि मुसलमान बन करके गैर मुस्लिम इंसान भी रुपया पैसा मांगने के लिए इस महीने के अंदर आ जाते हैं और इसी तरीके से बहुत से जाली सफ़ीर भी इस महीने के अंदर आ जाते हैं और अपनी जेबों के अंदर वो उम्मत के पैसे को और हमारे पैसे को जमा करके और उसके बाद अपने लिए वो इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कौम के लिए या मदरसे के लिए वो पैसे को इस्तेमाल नहीं होने देते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बचना भी है, सावधान भी रहना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है और होशियार रह करके इन तमाम चीज़ों की हमें अदायगी करनी है। आखिर में आप इन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें जो तमाम वीडियोस आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं और आप देखें कि किस तरीके से इन लोगों ने इन लोगों को पकड़ा है और इनकी असलियत किस तरीके से सामने आई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखो क्या नाम है तुम्हारा, ज़ोर से बोलो, नाम बोलो तुम्हारा। क्या नाम है? सियाराम। ज़ोर से बोलो सियाराम। तुम्हारा क्या नाम है? ये देखो इसका आईडी प्रूफ है, ये मुसलमान के भेष में हमारे ऊन के इलाके में मांग रहे हैं। आप लोग इनको देखो,
किस तरीके से मुसलमानों को जलील करते हैं। नाम पूरा मुसलमानों के काम पर काम करते हो और हम मुसलमान इन लोगों को ज़कात देते हैं, जबकि गैर मुस्लिमों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। और ये अल्लाह के नाम पर दे सकते हैं, लेकिन ये लोग मुसलमान के, आप क्या नाम है आपका, ज़ोर से बोलो आपका। याराम। देखो नाम क्या बता रहा है, आप लोग ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं, क्या नाम बता रहे हैं। याराम। और आप अभी क्या नाम बोले मेरे को भाई, अल्लाह के नाम। आपने भी क्या नाम बोला मेरे को भाई जान का, आपने नाम क्या बोला वो बोलो। अनवर बोला। तुम्हारा क्या नाम है? रवि नाम है भाई। तुमने क्या नाम बोला मेरे को? अनवर बोला था भाई, हमने मांगने खाने वाले भाई। क्या नाम बोला था तुमने? बोला था भाई। देखो ये लोग, आप लोग देने से पहले सोचो हम किसको अपने पैसे को दे रहे हैं। प्लीज़ आप शेयर कीजिए उसको और इस तरीके से लोगों को बेदार कीजिए। ज़रा ये भैया भीख मांग रहे थे तीन लोग, तीन लोग, एक बच्ची थी एक आदमी, ठीक है। तो मैंने इसको बुलाया, मैंने कि इधर आओ, नाम क्या है तेरा? तो इनने बोला आजाद, ठीक है आजाद। मैंने आधार कार्ड कहाँ है तेरा? तो इनने कहा आधार कार्ड भैया पे, एक मिनट रुक। तूने बोला भैया के पास मैं ही ले आऊँ, इससे मांगने गया तो वो आधार कार्ड के नाम पे बच्ची को लेकर तुरंत भाग रहा है, ये भी भाग रहा था, इसको पकड़ा। मैंने कहा अब तू इधर आया साइड में। मैंने इसको पहचान क्यों करा? रोजे के अंदर इस लिबास के अंदर आदमी बाजार में खाएगा नहीं, क्यों? रोजे चल रहे हैं और ये इस लिबास में खा रहा था, इसी वजह से मेरे को लगा ये नहीं है मुसलमान। अब इसके अंदर क्या है, अभी ये कोई लड़की छेड़ दे बाजार के अंदर तो आदमी क्या समझेंगे के मुसलमान था, चोरी कर ले तो आदमी के अंदर मुसलमान था। सिर्फ में समाजों की बदनामी हो रही है ना, मैं अट्टा खट्टा है। तू पापा का नाम क्या है तेरे? जोर से बोल, जोर से। मुनेसर। क्या नाम है? और इनने फिर बता दिया कि मैं नहीं हूँ मुसलमान, पहले मुसलमान बता रहा था फिर बाद में कह रहा है मैं नहीं हूँ मुसलमान। जैसे प्रेशर करा था सब लोग इकट्ठे होकर, अब जिस टोपी को बदनाम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए इसे? टोपी हरा कपड़ा, हरा कपड़ा। अभी मैं टीका लगा लूँ, मैं कोई बाजार में लड़की छेड़ दूँ, ये चोरी करूँ तो क्या होगा? हिंदू था। अरे वो मार गया, वो तिलक वाला कर गया, तिलक वाला मार गया, हिंदू था। है अभी झाड़ में भोसड़ी के टोपी की आड़ में अभी करौली में झगड़ा हुआ, इन जैसे लोग थे वो, इनका बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जा भैया चल बैठ। हाँ क्या जी नाम तुम्हारा? नाम क्या, नाम क्या, नाम बोलो जी, नाम बोलो। मंगने चाहिए सो मालूम है, क्या नाम तुम्हारा? प्यारी भैया। नाम क्या? प्यारी। प्यारी कहाँ? कार्ड दिखो, कार्ड दिखो। नहीं नहीं तो है नहीं, पुलिस स्टेशन ले लेकर दे डालता हूँ। कार्ड दिखो, सही सही बोला लो, नाम में छोड़ा तो। क्या नाम तुम्हारा, नाम क्या बोलो? मंगने जो वो मंगने चाहिए सो मुझे भी मालूम है, क्या नाम तुम्हारा, नाम क्या, सही बोला ना, नहीं तो सीधा बुला ले जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन को। क्या है सही से बोला, कार्ड दिखाओ। आंध्रा में कोसा को मारना। हाँ क्या नाम तुम्हारा? नाम तुम्हारा हिंदू अच्छे भैया। हाँ हिंदू, क्या नाम है? कड़ लो टोपिया। नाम क्या तुम्हारा? यशोदा। तेरा क्या नाम है? मुत्तराज। हाँ मुत्तराज। तुम्हारा क्या जी नाम है? जय। क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद। तेरा क्या नाम है? मेरी। देखो तुम्हें ऐसा मुसलमान का नाम खराब करना नहीं, तुम्हें टोपी निकाल को ऐसा मांगने का मुसलमान का नाम खराब करने के वास्ते क्या? हाँ वैसा पूछो, वैसा नहीं, तुम्हें वैसा पूछो, वैसा पूछो, खैरात देती टोपिया काट रहे, टोपी काट रहे, टोपी बड़ा नहीं मारना को, तुम्हें ऐसा जैसे डुप्लीकेट काम करना नहीं। मुसल
लिया होगा कि किस तरीके से जालसाजी का काम इस महीने के अंदर, इस बाबरकत महीने के अंदर किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों से आप होशियार रहें, सावधान रहें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, अपने समाज मुआशरे को भी ज़रूर बचाने की कोशिश करें। आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।